जिस प्रकार से आज आप सभी लोग जानते हैं कि आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। महत्वपूर्ण किस लिए है पहले हम यह समझते हैं, है ना। महत्वपूर्ण जिस प्रकार उपासक जी ने भी कहा था कि जो 10 पुण्य कर्मवत्तु है उसमें से जो 2 अंग है जो कि सबसे आखिरी में आते हैं, आखिर में जाते, धम्म श्रवण और धम्म देशना, उसके भी सबसे आखिरी में दिट्ठी उजू, उजू दिट्ठी मतलब दृष्टि का उजू होना, सीधी दृष्टि होना, सीधी दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि होना, ठीक है। आज का जो प्रश्न है दृष्टि से बहुत करीब जो संबंध रखता है उस बात से लेके, है ना। और धम्म श्रवण और धम्म देशना हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो दृष्टि है वो उजू हो सके, हमारी जो सम्यक दृष्टि है। भले ही दृष्टि का आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि पहले बोला जाता है तो सम्यक दृष्टि पहले बोला जाता है, पर वही अंग है जो सबसे आखिर में बनता है दृष्टि, क्योंकि यह प्रज्ञा का क्षेत्र है और प्रज्ञा यह तब आती है जब शील और समाधि से होते हुए जाते, है ना। शील और समाधि हम इस अर्थ में नहीं समझ रहे कि पालथी लगा के बैठ जाना, शील और समाधि इस अर्थ में समझिए कि आप लोग के जीवन का अंग बन गया है। नैतिकता और एकाग्रता, जो भी कार्य करेंगे आप एकाग्रता के साथ करेंगे और वो कार्य नैतिक ही रहेगा। तो इस प्रकार से दोनों जब साइमल्टेनियसली एक रूप एक साथ होकर चलते हैं तो उस क्षण उस समय आपकी प्रज्ञा तीक्ष्ण ही हो जाती है, इस बात को समझिए। तो वो आपका सारा जो है वो एक चक्र की तरह हो जाता है, शील समाधि प्रज्ञा, जिसमें ना प्रथम और ना आखिरी कुछ ना रहते हुए सब एक साथ रह जाता है, शील समाधि प्रज्ञा। तो ये दृष्टि उजू करना ही है, जब तक दृष्टि उजू नहीं होंगी तब तक हम अपाय गति से मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हमारे वाणी सम्यक नहीं हो पाएंगे, तब तक हमें कर्मों से अकुशल कर्मों से हमारा मन भयभीत नहीं है, ठीक। और अभिधम्म के हिसाब से, चित्त चैतसिक के हिसाब से, कीरी और उत्तपम लज्जा और भय, यह 2 बातें, यह 2 चैतसिक सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने आप को अकुशल कर्म से दूर रखने के लिए। कीरी और उत्तपम मतलब लज्जा और भय। तो ये सब कैसे होगा, जब हमारी दृष्टि उजू हो जाएंगी, दृष्टि उजू हो जाएंगी तो हमारे मन में भाव ही उत्पन्न ऐसे हो जाएंगे, हमारे मन में भय और लज्जा अपने आप ऐसे काम करेंगी कि हम अकुशल कर्मों से दूर रहेंगे। तो इसलिए आज का जो प्रश्न है वो दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पुनर्जन्म का। और हम अक्सर देखते हैं जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं वो अक्सर इस प्रश्न को लेके काफी कंफ्यूज है, सरल सी बात है, क्योंकि यह बाबा साहब ने जो लिखा है वो उनकी प्रज्ञा के अनुसार लिखा है। पर हम अगर अल्प प्रज्ञा वाले लोग अगर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे, जो ने जिन्होंने ना अभी तक दर्शन शास्त्र ठीक से पढ़ा है, ना इतिहास ठीक से पढ़ा, ना बुद्ध धर्मों को ठीक से जानने की कोशिश की है, अगर वो बाबा साहब के विचारों को इतने आसानी से समझ जाएंगे तो बड़ा कठिन। तो जिसने पाली साहित्य का अच्छे से अभ्यास किया है, जिसने दर्शन शास्त्र का अच्छे से अभ्यास किया है, वो बाबा साहब के विचारों को थोड़ा बहुत समझ सकता है। तो इसलिए, और क्योंकि मैं खुद एक फिलोसॉफी और साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बहुत, मुझे लगता है कि कहाँ पे गड़बड़ हुई वो मैं जानने का थोड़ा मैंने कोशिश किया कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि बाबा साहब ने पुनर्जन्म को नहीं माना। तो मैं उन्हीं विचारों को आज आपके सामने स्पष्ट करने जा रहा हूँ। अभी जब हम पुनर्जन्म की इस विषय पे बात करने जा रहे हैं तो आप इस बात को समझिए कि मैंने पहले ही कहा कि पुनर्जन्म यह विषय बहुत महत्वपूर्ण रखता है बौद्ध साहित्य में। तो पुनर्जन्म ही नहीं समझ गए, अगर अगर पुनर्जन्म पे हम विश्वास नहीं करेंगे तो बुद्ध की शिक्षा हमारे लिए किसी काम की नहीं है ना। बुद्ध की शिक्षा निर्वाण की बात करती है, निर्वाण क्या है, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की जो बात है वो है निर्वाण। तो अगर जन्म और मृत्यु ही नहीं है, पुनर्जन्म ही नहीं है, तो फिर निर्वाण किस काम का, निर्वाण किस काम का, तो बुद्ध की शिक्षा किस काम का, है ना। तो यही सब बातों को हम समझेंगे। तो आइए आज बाबा साहब के दृष्टिकोण से हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है, हाँ हाँ
जी तो जिस प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व्यू ऑफ रिबर्थ, बाबा साहब का दृष्टिकोण पुनर्जन्म पे क्या है, हम उसके बारे में थोड़ा भी जानेंगे। तो बाबा साहब खुद यह प्रश्न पूछते हैं बुद्धानि धम्मा में कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे। मैंने दोनों ग्रंथों के रेफरेंस लिए हैं। आपको बता दूं कि हिंदी और मराठी, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों ग्रंथों के रेफरेंस लिए हैं, ठीक है। क्योंकि बाबा साहब ने किस शब्दों का इस्तेमाल किया, थोड़े शब्द से ही, थोड़े थोड़े शब्दों को ठीक प्रकार से ना समझने के कारण पूरा का पूरा क्या हो जाता है, मिसकंसेप्ट डेवलप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी एक जन ने बाबा साहब की किताब का अनुवाद किया, बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स, है ना। तो उसने वहां पे जो बाबा साहब ने जो ओरिजिनल नेम दिया है अपनी किताब को, बुद्धा और कार्ल मार्क्स दिया है, और उस व्यक्ति ने जब अनुवाद किया तो उसने क्या कर दिया, बुद्धा एंड हिज धम्मा, सॉरी बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स कर दिया। मतलब जब अनुवादक ने अनुवाद किया तो एंड लगा दिया, पर बाबा साहब ने ओरिजिनल ने क्या किया है, और किया है। अब इस एक शब्द से बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब आप एंड लगाते हो तो मतलब बुद्ध कार्ल मार्क्स दोनों चाहिए, पर जब हम और लगाते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि बुद्ध या फिर कार्ल मार्क्स, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो देखिए, छोटे छोटे शब्दों से इतनी सारी क्या हो जाती है, मिसकंसेप्शन आ जाती है। और एक बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जब मैं बुद्धा ने जमा पढ़ रहा था, और मैं जब नागपुर में होते हुए जब मैं बुद्धा इन धम्मा लोगों को पढ़ा रहा था, तो मैंने कई सारे ग्रंथ बाबा साहब के रेफरेंस में लिए थे, है ना। क्योंकि बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि अगर मेरे लिखे हुए इस बुद्धा एंड इस धम्मा को आपको समझना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको बुद्धा और इस धम्मा ये किताब, बुद्ध और कार्ल मार्क्स ये दूसरी किताब, और तीसरी क्रांति प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन और काउंटर रिवॉल्यूशन, ये तीनों किताबें साथ में पढ़नी पड़ेंगी। आप एक किताब पढ़ी बाकी दो किताबें नहीं पढ़ी तो मैं बुद्धों को यह समझता हूँ, आप ये नहीं समझ सकते बाबा साहब के हिसाब से। तो तीनों किताब पढ़ना आवश्यक है। बुद्ध ने बुद्ध की शिक्षा को बाबा साहब कैसे समझते हैं, ये हमें समझनी थी, ठीक है। दूसरी बात, जब मैं बुद्धानि धम्मा पढ़ रहा था तो मैंने कई सारे अलग अलग प्रकाशन के बुद्धानि धम्मा पढ़ा साथ में। तब मुझे पता चला एक प्रकाशन जो मेरे ख्याल से राजस्थान या फिर रायपुर उत्तर साइड का जो प्रकाशन है, उसने कई सारे जो पैराग्राफ्स है, कई सारे जो पंक्तियां है, उसने गायब कर दिया, उसने उसमें डाला ही नहीं ये बात। किसी किसी इसमें तो कई सारे मिस्टेक्स है। और अभी जो मानकर साहब, उन्होंने भी बुद्धा ने जमा को अच्छे से लिखा है, कई सारे जो आनंद कौशल ने मिस्टेक की उसको सुधारा है, पर फिर भी मैंने हिंदी अनुवाद जो लिया है भदंत आनंद कौशलान का लिया है, और इंग्लिश जो ओरिजिनल है। तो मैंने भदंत आनंद कौशलान का ही अनुवाद क्यों लिया, क्योंकि भदंत आनंद कौशलान जी पाली साहित्य के निपुण निपुण थे उसमें, तो उनको पता है कि कौन सा शब्द इंग्लिश में, इसकी इंग्लिश का यह शब्द हिंदी में कौन सा पाली साहित्य के अनुसार लेना चाहिए, उनको ये बात पता थी, है ना। तो इसलिए मैंने आनंद कौशलान का ही हिंदी अनुवाद लिया है, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी मैंने इस प्रकार से बहुत सोच समझ के रेफरेंस में लिया है। और यहाँ पे जो ब्लू और ग्रीन में, यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी दिए है, अगर आपको ध्यान में आएगा तो मैंने कहाँ से कौन सी लाइन उठाई, कहाँ से कौन सी पंक्ति उठाई, मैंने यह भी यहाँ पे रेफरेंस में लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने अपने हिसाब से कुछ भी समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं यहाँ पे पुनर्जन्म जो भी समझाऊंगा वो बाबा साहेब के ग्रंथ में से ही समझाऊंगा, ना मैं अपने तरफ से कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण मिलाऊंगा। अगर आपको मेरा दृष्टिकोण समझना होगा तो मैं वो किसी और क्लास में लूंगा, वो मैं और इससे लूंगा, रीबर्थ एंड साइंस इस नाम से लूंगा। इसमें मैंने विज्ञान के हिसाब, विज्ञान के दृष्टिकोण से भी नहीं समझा रहा मैं, ना ही किसी और के दृष्टिकोण से, ना मेरे दृष्टिकोण से, और ना ही पाली साहित्य के दृष्टिकोण से समझा रहा यहाँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम बाबा साहेब के दृष्टिकोण की बात करें कि उन्होंने किस प्रकार से समझाना चाहते, ना पाली साहित्य, ना विज्ञान, ना मेरा दृष्टिकोण, ये बात आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे ये समझेंगे। तो बाबा साहब स्वयं ये प्रश्न पूछते हैं बुद्धानि धम्मा में कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म मानते थे, डिड द बुद्धा बिलीव इन रीबर्थ। बाबा साहब उसका उत्तर देते हैं, उत्तर हाँ में है,
आंसर इज इन द अफिर्मेटिव। हिंदी अनुवाद में लिखा गया है उत्तर हाँ में है, और इसका शाब्दिक अर्थ आएगा उत्तर सकारात्मक है, मतलब बाबा साहेब पुनर्जन्म को मानते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, बाबा साहेब पुनर्जन्म को मानते हैं। अब आगे, तो जब अब बौद्ध, तो भी कई सारे प्रश्न आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं। क्या बौद्ध पुनर्जन्म का सिद्धांत और हिंदू पुनर्जन्म के सिद्धांत से मेल खाता है? मतलब क्योंकि पुनर्जन्म तो बौद्ध धर्म में भी है और हिंदू धर्म, अगर धर्म में भी पुनर्जन्म है और बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म है, तो ये दोनों सिद्धांत मेल खाते हैं, है ना? तो क्या बौद्ध धर्म भी आत्मा को मानता है? अब प्रश्न ये आता, क्योंकि हमने आज तक जो सीखा है, अगर जो भी कोई बुद्ध की शिक्षा को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि बुद्ध तो आत्मा को मानता नहीं, और अगर बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है तो इसका मतलब बौद्ध धर्म भी आत्मा को मानता है, क्योंकि आत्मा के बिना पुनर्जन्म भला कैसे संभव है ना? अगर बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म को मानता है तो फिर बौद्ध धर्म विज्ञान निष्ठ कैसे हुआ? फिर दूसरा प्रश्न यहाँ आता है, क्योंकि हमारा ऐसा समझ है कि विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता, है ना? तो फिर अगर बौद्ध धर्म और पुनर्जन्म को मान रहा है तो उसे कैसे कहे कि ये विज्ञान निष्ठ धर्म है ना? क्योंकि विज्ञान तो पुनर्जन्म सिद्ध करने का है। ठीक है, इस विषय को हम कभी किसी और दिन समझेंगे कि विज्ञान निष्ठ कैसे है। फिर आज हमारी जो भी हालत है, क्या वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है? मतलब जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कहा जाता है कि तुम शूद्र हो तो तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, तुम अछूत हो तो तुम्हारे पूर्व जन्म का फल है, मतलब हिंदू धर्म में आज इस जन्म में हमारे साथ जो भी घट रहा है उसके ऊपर ऐसा विचार किया जाता है कि यह तुम्हारे पहले के जन्म का कर्म का फल है, तुम्हें इसे भोगना ही पड़ेगा इस जन्म में, और तुम शूद्र हो तो इस जन्म में शूद्र ही रहोगे, ये तुम्हारे कर्मों का फल है कि तुम शूद्र बन के पैदा हुए भोगो, ऐसा हिंदू धर्म का मानना है। तो क्या फिर बुद्ध के विचार भी इनसे मेल खाते हैं, है ना? इन विचारों पे हम आज समझने की कोशिश करेंगे बाबा साहेब के दृष्टिकोण के अनुसार। अब अगर ध्यान से देखिए तो आज विश्व में ज्यादातर पुनर्जन्म के सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी में सोल स्पिरिट से जाना जाता है। अभी अगर हम देखते हैं तो विश्व में जितने भी धर्म है जो पुनर्जन्म को मानते हैं, अब पुनर्जन्म को जब वो लोग मानते हैं तो पुनर्जन्म मानने के लिए आत्मा इस सिद्धांत की बहुत आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर इस शरीर से कुछ निकल के दूसरे शरीर में घुस जाना चाहिए, अगर हमारा पिछला जन्म हो रहा है तो हमारे इस शरीर से उस शरीर में कुछ तो भी जा रहा होगा, ऐसा हमारे मन में आ जाता है ना? और हर जितने भी आज पुनर्जन्म सिद्धांत को मान रहे होंगे वो आत्मा को मानते ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि पुनर् फिर से किस चीज का जन्म हो रहा है, तो आत्मा का। ये आत्मा है जो इस जन्म से इस शरीर से किसी और शरीर में प्रवेश कर रही है, इसलिए जितने भी पुनर्जन्म सिद्धांत होंगे वो सारे के सारे आत्मा को मानते हैं। पर बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है या शिक्षा है जिसमें बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, पर बुद्ध की शिक्षा आत्मा को नकारते हुए अनात्मवाद सिखाती है। आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को तो मानता है पर आत्मा को नहीं मानता। अब प्रश्न ये आता कि बौद्ध जब आत्मा को नहीं मानता तो किसको मानता है? अनात्मा को। किसको मानता है? अनात्मा, है ना? अभी आत्मा और अनात्मा में क्या फर्क है हम समझते हैं। अब ये जो आत्मा है, आत्मा के सिद्धांत में तीन बातें ध्यान रखने की जरूरत है। एक, कि आत्मा शाश्वत होती है, ठीक है। दूसरी, वह निरपेक्ष होती है, और तीसरी अपरिवर्तनीय होती है, ठीक है। शाश्वत मतलब वो कभी नष्ट नहीं होंगी, वो हमेशा बनी रहेंगी, हमेशा टिकी रहेंगी, वो कभी की कभी क्या होंगी, नष्ट नहीं होंगी। दूसरी, निरपेक्ष। निरपेक्ष मतलब वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है ना? वो जीवित रहेंगी, वो किसी निर्भर नहीं, वो बिना शरीर के भी ट्रैवल कर सकती है, बिना शरीर के भी आना जाना कर सकती है, वो बिना शरीर के भी रह सकती है। इसका मतलब है निरपेक्ष, वो किसी पे आधारित नहीं है, बिना शरीर के भी रह सकती है। और तीसरा अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, आत्मा का आत्मा में कुछ आत्मा हमेशा शुद्ध रूप में होती है, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता है, ये आत्मा का सिद्धांत है। अभी बुद्ध के सिद्धांत, अनात्मा का सिद्धांत क्या है? अनात्मा का सिद्धांत अनित्य दुख अनात्म है ना? अब अनात्मवाद को जब कहते हैं हम, तो अनात्मवाद से हमारा कहने का मतलब है कि यह जो हमारा जो शरीर बना है,
यह शरीर दो चीजों से मिलकर बना है, जो जीवन जिसे हम कहते हैं, ये जीवन बना है नाम और रूप से, ठीक है, ये किसी एक चीज से नहीं बना है। और ये नाम और रूप, ये नाम भी चार चीजों से बना है, विज्ञान, संस्कार, संज्ञा और वेदना, ये चार चीजों से बना है। रूप भी अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु। अगर इंग्लिश में कहूँ, नाम मतलब माइंड, नाम मतलब मन, और ये मन के भी चार घट है, चार घटक है। विज्ञान मतलब चेतन स्वरूप, है ना, जो जानता है, संस्कार है ना, दूसरा संज्ञा जो समझता है, और वेदना जो वेदनाओं को अनुभूत अनुभव अनुभव करता है। रूप मतलब मैटर, कोई भी आकार, कोई भी भौतिक वस्तु, जो अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, इन चार चीजों से मिलके बनी है। अभी ये जो नाम और रूप मतलब माइंड एंड मैटर है, यह अनित्य है, यह आत्मा समान शाश्वत नहीं है, ये क्या है, अनित्य है, मतलब ये नष्ट होते रहता है। दूसरा, यह क्या है, सापेक्ष है, मतलब ये निरपेक्ष नहीं है, ये आधारित है एक दूसरे पे, नाम रूप पे आधारित है, रूप नाम पे आधारित है, मतलब जहां पे मन होगा वहां रूप होगा, और जहां रूप होगा वहां मन होगा। ऐसा नहीं कि रूप कहीं और मन कहीं और, ऐसा नहीं हो सकता। जहां जहां नाम होगा, जहां जहां मन होगा, वहां वहां रूप होगा, है ना। इसलिए हम इसे आत्मा नहीं कह सकते कि आत्मा मतलब निरपेक्ष, पर नाम और रूप क्या है, सापेक्ष है, इसलिए नाम और रूप को हम आत्मा नहीं कह सकते, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नाम पे सब कुछ आधारित है, रूप पे सब, या फिर रूप पे सब कुछ आधारित है। अगर हम देखेंगे, अगर ये रूप नहीं होगा तो नाम नहीं चल पाएगा, माइंड है ना, माइंड नहीं चल पाएगा, और माइंड नहीं होगा तो रूप नहीं काम कर पाएगा। इसलिए नाम और रूप, इन दोनों चीजों के एक साथ मिलन से ये क्या हुआ है, हमारे जीवन की उत्पत्ति हुई है। कोई अनात्मवाद, अनात्मवाद से हमारा तात्पर्य है कि वो चीज जो मन और शरीर, नाम और रूप, माइंड और मैटर से बनी है, जो क्षण प्रतिक्षण क्या होती है, नष्ट होती रहती है, और क्षण प्रतिक्षण उत्पन्न होती रहती है, जो परिवर्तनीय है, और आत्मा क्या है, शाश्वत, निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील। तो जब बुद्ध अपने ध्यान साधना में बैठे हुए थे, तो बुद्ध ने अपनी ध्यान साधना में अपनी प्रज्ञा से जाना, भगवान कहते भी कि मैंने इस संसार में बहुत देखा, बहुत ढूंढने की कोशिश की कि आत्मा समान कुछ तो पदार्थ मिले। अभी आत्मा उस समय किस किस कहते थे कि ऐसा पदार्थ या ऐसी चीज जो शरीर के अंदर में है, जो निरपेक्ष है, जो शाश्वत है, जो नित्य है, ऐसी चीज जो किसी चीज पर आधारित नहीं है, जो इस बिना शरीर के भी रह सकती है, तो ऐसी चीज को लोग आत्मा कहते थे। तो उस आत्मा को मैंने खोजने की बहुत कोशिश की शरीर में, पर मुझे इस पूरे शरीर में वह आत्मा समान कोई भी चीज, ऐसा कोई भी पदार्थ, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला जिससे मैं आत्मा कह सकूं। हाँ, पर मुझे मिली एक चीज, वह है नाम और रूप। पर ये नाम और रूप को मैं आत्मा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि अनित्य है, या आत्मा समान शाश्वत नहीं है, ये जैसे बताते हैं शाश्वतवाद, वैसे शाश्वत नहीं है ये नाम रूप, ऊपर से ये निरपेक्ष भी नहीं है, ये सापेक्ष या आधारित एक दूसरे पे, और तीसरा ये परिवर्तनशील है। तो मुझे आत्मा नहीं मिला, मुझे नाम और रूप मिला, पर ये आत्मा समान नहीं है। तो इस बात को बिल्कुल समझ दीजिए कि इन लोगों ने भी कुछ चीज को जाना, उन लोग वैदिक ऋषियों ने, या फिर उस समय के दूसरे पंथों ने उस चीज को क्या कहा, आत्मा कहा। किस चीज को आत्मा कहा, जो जान रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जिसके कारण जन्म हो रहा है, उसको आत्मा कहा। वो लोग उसको डीप रूपली, एकदम पेनिटेटिवली नहीं जान पाए, लेकिन बुद्ध ने क्या किया, उसको भी तोड़ तोड़ते जाना, और बुद्ध ने जाना, अरे ये वैदिक ऋषि, ये दूसरे पंथ लोग जैसे आत्मा कहे, दरअसल वो नाम और रूप है, पर इनकी प्रज्ञा उतनी तीक्ष्ण ना होने के कारण क्या हो पा रहे, ये इसके अनित्य स्वभाव को नहीं जान पा रहे, दुख स्वभाव को नहीं जान पा रहे, अनात्म स्वभाव को नहीं जान पा रहे। अगर उदाहरण के लिए कहूँ तो आज हम रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं ना, जैसे जिस किसने 10 दिन का विपश्यना शिविर किया, तो उस 10 दिन की विपश्यना के शिविर में आप लोगों ने आज तक अपने जीवन भर में वेदना का उपभोग किया, और उस वेदना को कभी अनित्य के रूप में जाना नहीं, कभी दुख के रूप में नहीं जाना, कभी अनात्म के रूप में नहीं जाना, आपने उन वेदना को एक तो सुखद, नहीं तो दुखद, इसी रूप में जाना, और इसी रूप में जानते हुए भोक्ता भाव के रूप में स्वीकार करते गए। लेकिन जब आप उस 10 दिन के शिविर में जाते हैं, तब
आप कोशिश करते हैं, आप बार बार अपने मन को सिखाते हैं कि नहीं, तेरे दुखद हैरे अनात्म हैरे, मतलब अपने मन के हिसाब से उसको इस रूप में समझने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रज्ञा को तीक्ष्ण। गुरु जी उस 10 दिन के शिविर में आपको बोलते भी रहते हैं, अपनी प्रज्ञा तीक्ष्ण बनाओ, तीक्ष्ण बनाओ। ये एकदम से नहीं बनती है, उसके लिए बहुत लंबा काम करना पड़ता। तो ये वैदिक ऋषियों की क्या, इन लोगों ने ऐसे अपने मन में कई सारे अपने प्रज्ञा से जाना, पर इनकी प्रज्ञा क्या थी, तीक्ष्ण नहीं थी। जो लोग इसलिए वो लोग इसलिए उन लोगों ने उसको नित्य अरि अपरिवर्तनीय निरपेक्ष शाश्वत के रूप में जाना। पर बुद्ध की प्रज्ञा इतनी तीक्ष्ण थी कि उन्होंने उसके अंदर भी गए, उसको भी अनित्य के रूप में देखा, दुख के रूप में जाना, अनात्म के रूप में जाना। कि वैदिक लोग सत्य तक तो गए, पर इनका सत्य अर्ध है, आधा है, पूरे सत्य तक नहीं पहुंच पाए। और बुद्ध पूरे सत्य जड़ तक गए, हेतु तक गए। इसलिए इसलिए जो हम जिस परंपरा से, थेरवादी परंपरा कहते हैं ना हमें, तो हमारे जो हम जिस परंपरा से, जो बुद्ध की जो ओरिजिन परंपरा है, उसे थेरवाद परंपरा कहते हैं। तो उस थेरवाद परंपरा का और एक नाम है, उसे कहते हैं विभज्यवादी। हम लोग क्या कहते हैं, विभज्यवादी भी कहते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम हर चीज को विभाजन कर करके देखते हैं, है ना। तो बुद्ध ने यह बात समझे कि ये लोग जिसे आत्मा कह रहे हैं वो दरअसल नाम रूप है। दरअसल मतलब इसका मतलब है कि पुनर्जन्म में जिस चीज के कारण जन्म हो रहा है उसे ये लोग आत्मा कह रहे हैं, पर वो आत्मा ना होते हुए क्या है, नाम रूप है। और उस सिद्धांत को लोग ठीक प्रकार से नहीं समझ पाए, इसलिए तो ये गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है। इस बात को अगर और डीप में समझना है तो मैं इस क्लास में नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये पाली साहित्य से अगर संबंध रखता है, इसलिए किसी और क्लास में होगा। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि मैं सिर्फ बाबा साहब के दृष्टिकोण के हिसाब से बात करूंगा, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा अपनी तरफ समझाने की कोशिश की कि नाम रूप और आत्मा के बीच का अंतर, पर इसको और डीपली समझना है और कहाँ पे गड़बड़ हो रही है इस बात को समझने के लिए हम किसी और क्लास में समझेंगे। अभी हम नेक्स्ट विषय पे आते हैं। अभी तो फिर प्रश्न ये आता है कि मरने के बाद क्या होता है, क्योंकि अभी हमने जाना कि आत्मा तो है नहीं, जो है नाम रूप है ना। तो फिर मरने के बाद ये होता क्या है इस नाम रूप का। तो बुद्ध के समय में, बाबा साहब के अनुसार, बुद्ध के समय में जितने भी पंथ थे, हम देखते हैं कि बुद्ध के समय में 62 पंथ थे, मतलब बुद्ध के समय में 62 मत थे, या 62 धर्म थे, या 62 अलग अलग शिक्षाएं थी, 62 अलग अलग पंथ थे। तो ये सारे पंथ दो गटों में बटे हुए थे, मतलब मरने के बाद के विचार को लेके दो तरह के विचार उसमें फैले हुए थे। एक विचार शाश्वतवाद से नाम जाना जाता है, और दूसरा विचार उच्छेदवाद, इस विचार से जाना जाता है। ये जो लोग हैं, जो शाश्वतवादी है, जिनका जिनका विचार ऐसा था कि मरने के बाद आत्मा का मरण होता ही नहीं। अब मैंने पहले कहा कि वो लोग आत्मा को मानते हैं, आत्मा उनकी, वो लोग उनके लिए आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है ना, निरपेक्ष है। तो उनके हिसाब से आत्मा का मरण होता ही नहीं, इसलिए जीवन शाश्वत है। अभी तो पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। द सोल नोज नो डेथ, देयरफॉर लाइफ इज इटर्नल, इट इज रिन्यूड बाय रीबर्थ। तो कहते हैं कि देखो, आत्मा का तो मरण होता ही नहीं है, इसलिए हमारा बार बार क्या होते रहता है, पुनर्जन्म होते रहता है, होते रहता है। तो ऐसा एक मत था, क्योंकि वो लोग आत्मा को मानते हैं, तो उन लोगों को सिद्धांत होता समझाने की जरूरत नहीं। उन लोगों का एक आत्मा है शरीर में, वो आत्मा मरती नहीं है, इसलिए हम मरते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और किसी और शरीर में प्रवेश करती है, और फिर वो शरीर मर गया तो फिर वहां से आत्मा निकलती है, फिर किसी और शरीर में जाती है, फिर वो शरीर से आत्मा निकलती है। ऐसा हमारा शाश्वत रूप से हमारा पुनर्जन्म बार बार जन्म होते रहता है, एक शरीर मर के दूसरे शरीर में, कभी कुत्ते की होने में, कभी स्त्री की होने में, कभी कुछ पुरुष की होने में, ऐसा जन्म होते रहता है, शाश्वत रूप से जन्म होते रहता है। दूसरा है उच्छेदवादी। उच्छेदवाद मतलब हर वस्तु का संपूर्ण विनाश है, मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। उच्चतधु का मानना है कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। ये शरीर, यह जो जीवन है, चार, वो लोग मानते हैं, उच्चतधु ऐसा मानते हैं कि यह शरीर सिर्फ 4 महाभूतों से बना हुआ, इससे बना है आग जल पृथ्वी पानी, सिर्फ इन्हीं भौतिक पदार्थों से हमारा शरीर बना है। और जब हम मर जाते हैं तब ये 4 भौतिक पदार्थ भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और कुछ भी शेष नहीं रहता है, ठीक है। ये उच्छेदवादी है, मतलब कुछ लोग का मत ऐसा था कि मरने के बाद सब नष्ट हो जाता, और कुछ लोग का मत ऐसा था कि नहीं, आत्मा है, मरने के बाद वो आत्मा किसी और शरीर में जाती से 2 मत थे। और आज भी हमें यही देखने के लिए मिलता है, देखो आज के लोग भी ऐसे कई सारे मानते हैं कि नहीं,
भरने के बाद क्या है, शरीर नष्ट हो जाता है, आग आग जल जाती है, पानी पानी जला जाता है, जल जल जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता है। ऐसे कई सारे उच्छेदवादी अंबेडकर राइट भी है और बाबा साहब ने इसे गलत कहा है नहीं, और ऐसे कई सारे दूसरे धर्म के लोग शाश्वतवादी है, आत्मा को मानते हैं, ठीक है। लेकिन भगवान का कैसा है, मध्यम मार्ग है। अब मध्यम मार्ग कैसा है बाबा साहब के हिसाब से हम जानेंगे। तो भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे, ये बाबा साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। पॉइंट फाइव, कौन से, बुक फोर पार्ट टू सेक्शन वन प्रिलिमिनरी, ठीक है। इस यहाँ पे बाबा साहब का पांचवा नंबर का पॉइंट में बाबा साहब कहते हैं कि भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। क्यों? क्योंकि इसका मतलब था कि पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वे विरोधी थे। क्योंकि हम पहले जानते हैं बुद्ध की शिक्षा अनित्य दुख अनात्म, इन तीन लक्षणों पर आधारित है। भगवान बुद्ध हर वो चीज, हर वो वस्तु इस संसार में या ये संसार अनित्य दुख अनात्म, इन तीन लक्षण को धारण करता है। तो बाबा साहब साफ कहते हैं बुद्धा वॉज नॉट एटर्नलिस्ट, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। क्यों क्यों शाश्वतवादी नहीं थे? शाश्वतवादी होने के लिए नित्य सिद्धांत को मानना पड़ेगा और बुद्ध नित्य सिद्धांत के क्या थे, विरोध में थे। तो ये बात देख रहे हैं हम लोग, भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे। तो इसका मतलब हम आत्मा को नहीं मानते, हम बौद्ध होने के नाते हम किसी आत्मा को नहीं मानते और ना हम ऐसा मानते कि आत्मा इस शरीर से निकल के किसी और शरीर में जाती है। तो शाश्वतवादी का रास्ता हमारे लिए नहीं है। फिर दूसरा उच्छेदवादी। अब उच्छेदवाद के बारे में क्या कहते हैं बाबा साहेब? जब वे आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते थे तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें उच्छेदवादी मानने की प्रवृत्ति हो सकती है। आई एम इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सारी गड़बड़ यहाँ हो जाती है। ये पॉइंट सिक्स में बाबा साहब कहते हैं, उसी ग्रंथ में, उसी चैप्टर में बाबा साहब कहते हैं कि देखो, अब ऑफकोर्स सरल सी बात है क्योंकि भगवान बुद्ध आत्मा को नहीं मान रहे, अपना नित्यवाद को नहीं मान रहे, शाश्वतवाद को नहीं मान रहे, तो सरल सी बात है क्योंकि बुद्ध आत्मा को नहीं मान रहे तो सरल सी बात है, लोग बुद्ध को क्या समझेंगे, उच्छेदवादी। समझ सरल सी बात है। हाँ, अभी अभी ऑफकोर्स कोई काला नहीं तो बुरा है, ऐसा सरल सा हम उदाहरण लगा देते हैं ना। हाँ, वो अच्छा नहीं तो बुरा है, बुरा नहीं तो अच्छा है। इस प्रकार से भगवान को लेके भी लोग ये गलत समझ गए। ऑफकोर्स अब बुद्ध आत्मा को नहीं मानते, शाश्वतवाद को नहीं मानते, नित्य को नहीं मानते, सरल सी बात है बुद्ध क्या होंगे, उच्छेदवादी होंगे, ऐसा लोग गेस लगा देते हैं। विद दिस बिलीव इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, द बुद्धा हु नेचुरली बी एक्सपेक्टेड टू बी एन एनिहिलिस्ट। लेकिन अलगदम सुत्त में भगवान ने शिकायत की है, ये बाबा साहब बता रहे हैं। देखिए बाबा साहब का वाचन देखिए आप। लेकिन अलगदम सुत्त में भगवान ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं है। देखिए, भगवान ने शिकायत की है कि वे उच्छेदवादी नहीं है, किंतु उन्हें उच्छेदवादी समझा जाता है। वो उच्छेदवादी नहीं है पर लोग उन्हें उच्छेदवादी समझते हैं। ये कहाँ पे कह रहे हैं भगवान बुद्ध? अलगम वा सुत्तम में कह रहे हैं, जो कि बाबा साहब भी बता रहे हैं। यानी बाबा साहब भी मानते हैं कि बुद्ध उच्छेदवादी नहीं है और आपको भी समझा रहे कि बुद्ध उच्छेदवादी नहीं। यानी बुद्ध ऐसा नहीं मानते कि मरने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, पानी पानी में जाके मिल जाता है सब कुछ। हाँ, आगे पढ़ते हैं अभी। तो आगे इस बात को समझाने के लिए बुद्ध बाबा साहेब पुनर्जन्म के सिद्धांत को दो हिस्सों में बांट देते हैं। रीबर्थ ऑफ व्हाट, पुनर्जन्म किस चीज का, इंग्लिश में व्हाट इस्तेमाल किया है तो उसका हिंदी अनुवाद सेम ही हो रहा है, तो इसलिए हिंदी में उसको हम और समझाने के लिए चीज, कोई वस्तु, वस्तु के रूप में हम उसको देखते हैं। तो पुनर्जन्म किस चीज का, और दूसरा रीबर्थ ऑफ हुम, मतलब पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, ये दो प्रश्नों में बाबा साहब विभाजित कर देते उस बात को। अब यहाँ पे आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि रीबर्थ ऑफ व्हाट बाबा साहब पहले समझाते हैं, फिर उसके बाद बाबा साहब समझाते हैं रीबर्थ ऑफ हुम, और हम उसी प्रकार से उसको पढ़ते हैं और इसलिए सारी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए वो सिद्धांत हमारे लिए क्या हो जाता है और पेचीदा होता है। दरअसल जब हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले हमने रीबर्थ ऑफ हुम, मतलब पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, इस बात को समझिए, इसको पहले पढ़िए, और फिर उसके बाद रीबर्थ ऑफ व्हाट, पुनर्जन्म किस चीज का, इसको समझिए, तो आपको सिद्धांत क्या होगा,
थोड़ा समझेंगे, है ना। तो इसलिए पहले हम समझेंगे रिबर्थ ऑफ हु, मतलब रिबर्थ, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, है ना। अभी पुनर्जन्म किस व्यक्ति का मतलब रिबर्थ ऑफ हुम, यहाँ पे हियर बाबा साहब ओनली टॉक अबाउट द फिजिकल बॉडी, दैट इज मैटर। यहाँ बाबा साहब केवल भौतिक शरीर यानी रूप की बात करते हैं। तो ये जो रिबर्थ ऑफ हुम है, जब आप इस बात को समझ रहे हैं, तो आपके मन में ये चैप्टर पढ़ते हुए, ये पाठ पढ़ते हुए आपके मन में यह बात क्लियर होनी चाहिए कि बाबा साहेब यहाँ पे सिर्फ हमारे भौतिक शरीर की बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मैं जहां तक जब मैंने इतने बार पढ़ा, तब तो मुझे लगा कि बाबा साहेब यहाँ पे बात कर रहे हैं मन की, लेकिन नहीं। मैंने बार बार जब इस बात को पढ़ा, तब मुझे सब क्लियर भाई कि बाबा साहेब यहाँ बात कर रहे हैं मैटर की, व्यक्ति की। जब बाबा साहब बात कर, तो व्यक्ति को बाबा साहब यहाँ पे भौतिक रूप में समझ रहे हैं, जो शरीर हमें हमारे हमने धारण किया है ना, चाहे वो कुत्ते का हो, चाहे वो स्त्री का हो, चाहे वो पुरुष का हो, कोई भी रूप जो हमने धारण किया है, उस सिर्फ रूप की बात कर रहे हैं, इस शरीर की बात कर रहे हैं। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, तो यहाँ पे बाबा साहब शरीर की बात कर रहे हैं। तो शरीर की बात करते बाबा साहब समझाते हैं, बॉडी विच इज मेड अप ऑफ पृथ्वी आप तेज वायु, शरीर जो पृथ्वी आप तेज और वायु से बना हुआ है। याद रखिए, अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो उच्छेदवाद से मेल खा रहा है, क्योंकि उच्छेदवाद में भी यही एक बताया जाता है कि शरीर कैसे बना है, सिर्फ पृथ्वी आप तेज और वायु। और यहाँ भी बाबा साहब बता रहे कि शरीर कैसे बना है, पृथ्वी आप तेज वायु, लेकिन बाबा साहब यहाँ पे सिर्फ शरीर की बात करें, मन की या अंदर की बात नहीं करें, सिर्फ शरीर की। हाँ, तो ज्यादा शरीर की बात है, तो शरीर पृथ्वी आप तेज और वायु से बनना है। तो ये हमारा शरीर इन चार पांच चार महाभूतों से बना है। यहाँ पे फिर व्हेन द ह्यूमन बॉडी डाइज व्हाट हैपन टू दिस फोर एलिमेंट, अब प्रश्न ये आता है कि ये जो हमारा शरीर बना है, ये शरीर जब मर जाता है, तब इस शरीर का जो ये चार महाभूतों से बना है क्या होता है। तो जब मानव शरीर मर जाता है, तो इन चार तत्वों का क्या होता है, दे ज्वाइन द मास ऑफ सिमिलर एलिमेंट फ्लोटिंग इन स्काई। इट मस्ट बी नोटेड दैट द बॉडी डाइज बट द एलिमेंट आर एवर लिविंग। आकाश में जो समान भौतिक पदार्थ सामूहिक रूप से विद्यमान है, वो भी जाके मिल जाते हैं। तो जब हमारा शरीर मर जाता है, जब हमारा शरीर जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है, तो हम जानते हैं शरीर डी अगर गाड़ेंगे तो डीकम्पोज होगा, मतलब सड़ेगा, और चलाएंगे तो जल जाएगा। तब बाबा साहब कहते हैं कि जो हमारा शरीर, जो पृथ्वी पृथ्वी आप तेज वायु से बना था, पृथ्वी पृथ्वी में जाके मिल जाती है, वायु वायु में जाके मिल जाता है, क्योंकि ऑफकोर्स जल जाता है। तो जो हमारे जो पूरे एलिमेंट्स बने हुए हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, अपना बॉन्ड छोड़ के पृथ्वी पृथ्वी में जाती है, आप में जाती है, पानी पानी में जाता है, वायु वायु में जाता है। तो सारे जो एलिमेंट जो इन चार महाभूत शरीर बना था, वो अब अपने इसमें जाके मिल जाते हैं, है ना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, डस द सेम डेड पर्सन टेक अ न्यू बर्थ, क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है। चलो अभी ये जो पदार्थ जाके मिल गए, तो क्या अभी संभव है कि इसका इस आदमी का जो मर गया है, इसके पदार्थ जाके मिल गए हैं आकाश में, पानी पानी में, वायु वायु में जाके आग में, तो क्या अभी फिर से इसका जन्म होगा। तब बाबा साहब आगे कहते हैं, द आंसर इज मोस्ट इम्प्रोबेबल, उत्तर है इसका कम से कम संभावना, संभावना है पर बहुत ही कम से कम। इसे अगर मैं साफ साफ कहूंगा, मेरा जो विचार है ना, बिल्कुल भी नहीं, एकदम 1 या 2% संभावना है 100% में से कि फिर से। तो बाबा साहब आगे कह रहे हैं, इट इज डिपेंड अपॉन द एलिमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द डेड मैन, यह निर्भर करता है उस जो आदमी मर गया है, उसके चार महाभूत जो आग जल पृथ्वी वायु जो था, चार तत्व थे, इस पे निर्भर करता है। यदि मृत्यु आदमी के जो चार तत्व है फिर से जुड़ के वही शरीर, फिर से जुड़ेंगे वही तत्व, भले नया शरीर बनाए पर तत्व वही है। देखिए आप फिर से समझिए, वॉइस इज ब्रोकिंग, अभी आवाज आ रही है आपके क्लियर। ओके, हाँ जी आ रही है, लेकिन अप एंड डाउन हो रही है। हाँ अप एंड डाउन हो रही है। ओहो, अभी आ रही है प्रॉपर, अभी ठीक है। ठीक है ना। तो
बाबा साहब आप बता रहे हैं कि अगर जो तत्व पानी पानी में जाके मिल गया, वायु वायु में जाके मिल गया, जल जल में जाके मिल गया, आग आग में जाके मिल गई, ये तत्व फिर से साथ में आके नया शरीर बनाते हैं, पूरा नया, भले चेहरा नया होगा, शरीर पूरा नया होगा, पर तत्व वही थे जो पुराने आदमी में, जो आदमी मर गया था, जो तत्व उसमें थे वही तत्व अगर इस आदमी में भी होंगे तो हाँ, ये उस आदमी का पुनर्जन्म है। पर क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि उन तत्वों में नया तत्व ना मिले? फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण लीजिए, एक पानी का ग्लास है, उस पानी ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, और बाजू में एक टब रखा हुआ है, उसमें भी उस टब में भी बहुत सारा पानी रखा हुआ है। अब मैंने ये ग्लास का पानी, जब तक इस ग्लास में पानी था तब तक हम कह सकते थे कि ये पानी इस ग्लास का है और ये पानी इस टब का है, पर मैंने वो ग्लास का पानी क्या कर दिया, उस टब में डाल दिया, तो क्या हो जाएगा वो? अब मैं क्या करूं, आवाज कट रही है तो नेट का प्रॉब्लम होगा, तो भी उदाहरण समझिए थोड़ा बहुत, जैसे भी कुछ प्रश्न अगर होगा, अगर कुछ आपको नहीं समझता है, कोई आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, तो मुझसे बाद में प्रश्न उत्तर सेशन में आप प्रश्न पूछ लीजिएगा, ठीक है? तो फिर अभी समझिए, तो एक टब है, टब भरा, इसमें पानी भरा हुआ है और एक ग्लास है, उसमें भी पानी है, ठीक है। अब मैंने जब तक वो पानी उस ग्लास में था तब तक हम ऐसा पहचान पा रहे थे ग्लास का है, ठीक है। अब मैं पानी डाल दिया, आप उस टब बता सकते हैं क्या ये पानी ग्लास का है और ये पानी टब का है? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। चलो आपने वही ग्लास लिया, अब वही ग्लास में क्या कर दिया, फिर से वो डुबा दिया उस टब में और वहां से पानी निकाल दिया एक ग्लास। अब एक बात बताओ, अब इस ग्लास में जो आपने पानी लिया उस टब से, क्या ये वो पहले वाला ही पानी है जो इस ग्लास में पहले था? नहीं, इसमें अभी नया पानी ही मिल गया होगा, तो हम इसे कह सकते क्या ये वही है? नहीं, ये वही नहीं है। उसी प्रकार जो तत्व मिल गए, भले ही वो तत्व मिलके फिर से नया शरीर बना रहे होंगे, पर उस तत्व में कई सारे नया तत्व भी, नई आग मिल गई होंगी, नया पानी मिल गया होगा, उसी कारण वो तत्व नया शरीर तो बना रहे हैं, पर हम वो मरे हुए आदमी का पुनर्जन्म नहीं कह सकते, क्योंकि अभी जो शरीर बना है, नया शरीर बना है, इसमें नया पानी भी मिला होगा, नया आग भी मिली होंगी, नई पृथ्वी मिली होंगी। हाँ, अगर ये नया शरीर बना होता पर इसमें नई आग नहीं बनी मिली होती, नया पानी, नया जल, नया पृथ्वी अगर नहीं मिली होती, सब वही पुराने तत्व होते, तो हम बोल सकते कि हाँ ये पुनर्जन्म है, पर ऐसा होना असंभव सा है। और एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, समझ जाइए, अभी एक कटोरा है पानी का, उसमें क्या कर दिया आपने, एक चम्मच नमक मिला दिया, अभी एक चम्मच नमक मिला दिया, तो अभी हम उसमें से नमक अलग निकाल सकते क्या? वही नमक नहीं निकाल सकते। उसी प्रकार से एक बार जो हमारा आग, पानी, जल, वायु, ये जिससे हमारा शरीर बना है, जलने के बाद फिर से जब ये सारे तत्व उन तत्व वापस चले जाते हैं, फिर से वही तत्व एक साथ आना असंभव है, और आ भी गए तो उनमें नए तत्वों का क्या होगा, मिश्रण होगा, और नए तत्वों का मिश्रण होने का हम नहीं कह सकते कि ये उसी आदमी का फिर से क्या है, पुनर्जन्म है। यहाँ पे बाबा साहब कहते भी है, यदि भिन्न भिन्न मृत शरीर के अंशों के मेल से एक नया शरीर बनता है तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, वो तो एक नया जन्म हुआ, उसका पुनर्जन्म हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, ठीक है? तो समझे बाबा साहब ने क्यों कहा, बाबा साहब कह रहे कि संभव है, पर इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, मोस्ट इम्प्रोबेबल, कम से कम संभावना है, संभव होता है पर बहुत ही कम से कम, ना के बराबर, अगर हम शरीर के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, अगर हम शरीर के रूप में देख रहे हैं तो आप बिल्कुल समझ जाइए असंभव है पुनर्जन्म को शरीर के रूप में, तो शरीर के रूप में पुनर्जन्म असंभव है। ही वॉज नॉट एनिली सो फार एज मैटर वॉज कंसर्न, जहां तक आत्मा की बात है वे उच्छेदवादी थे, ठीक है, आत्मा को लेके उच्छेदवादी है, पर पुनर्जन्म को लेके
सॉरी, मेरा थोड़ा सा बीच में हो जाता है कभी कभार। तो ये रेफरेंस है। तो अभी हमने क्या जाना, अभी हमने जाना पुनर्जन्म किस व्यक्ति का है ना, जिसमें भगवान बुद्ध शरीर के, जिसमें बाबा साहब शरीर की बात करते थे। किस शरीर की? वो शरीर जो चार महाभूतों से बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ चार महाभूतों से बना हुआ है। उस शरीर का पुनर्जन्म संभव है। कैसे संभव है? जब वही चार तत्व फिर से आके शरीर बनाएंगे। पर अगर वो चार तत्व फिर से आते हैं और उसमें कुछ नए तत्व मिश्रित होते हैं तो उसे पुनर्जन्म नहीं कह सकते। ठीक है, अभी अभी हम पहला प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे। रीबर्थ ऑफ व्हाट, पुनर्जन्म किस चीज का। यहाँ पे अभी चीज, पहले व्यक्ति, अभी चीज पे हम विचार कर रहे हैं। मंत्री जी, आपने कहा पढ़ा है पुनर्जन्म पर बाबा साहब के दृष्टिकोण, ये किसी ने प्रश्न किया। देखिए, मैं आपके सभी के प्रश्न जवाब दूंगा, पर वो प्रश्न होते सेशन में। फिलहाल मैं समझाता हूँ क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। ओके, ज्यादा आपको जितने ही प्रश्न होंगे, आपको फिर प्रश्न उत्तर के सेक्शन में, आपको अगर विज्ञान निष्ठ भी चाहिए तो मैं भी समझा दूंगा। पहले हम बाबा साहब को दृष्टिकोण समझते हैं। ठीक है, अभी पुनर्जन्म किस चीज का, पहले हमने समझा पुनर्जन्म किस व्यक्ति का, अभी हम समझेंगे पुनर्जन्म किस व्यक्ति का। हियर बाबा साहब अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हाट डस द लिविंग थिंग मेड अप ऑफ। यहाँ बाबा साहब इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं कि जीवन, जीवित वस्तु किससे बनी है। देखिए, हम जब प्रश्न पढ़ते हैं पुनः रीबर्थ ऑफ व्हाट, अर्थात पुनर्जन्म किस चीज का, तो हम हमारे मन में ऐसा आना शुरू हो जाता है कि किस चीज का, हम चीज पे फोकस करते हैं, है ना, पुनर्जन्म किस चीज का। लेकिन बाबा साहब यहाँ पे यह नहीं समझा रहे कि पुनर्जन्म किस चीज का हो रहा है। बाबा साहब यह समझा रहे हैं कि जो जीवन है, ये जीवन किससे बना हुआ है। अब समस्या क्या हो रही है, हम डायरेक्टली विचार करते कि क्या होगा जो पुनर्जन्म ले रहा है, पर हम इस बात को अभी तक समझ ही नहीं पाए। सबसे पहले जीवन किसे कहते हैं, जो जीव है, जो लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग क्या है आखिर में, क्योंकि लिविंग थिंग तो है ना जिसे हम जीवन जीवन पा रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा साहब आपको यहाँ पे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले आप ये समझ जाइए कि जीवन किसे कहते हैं, जो जीवित ऊर्जा है ना, ये जो हमारे अंदर, ये क्या है, पहले वो समझा रहे, फिर हम समझेंगे। क्योंकि तो इसी बात को ना समझने के कारण कोई लोग आत्मा समझ जाते हैं, कोई लोग इस बात को आत्मा मानना शुरू करते हैं। तो कोई कोई लगता है कि नहीं, शरीर सिर्फ भौतिक पदार्थ, सिर्फ भौतिक चीजों से ही बना हुआ है, आग जल पृथ्वी वायु, सिर्फ इन्हीं चीजों से मिला। आज भी अगर हम डिस्कशन करते हैं कई सारे तर्कवादी लोगों के बीच में या फिर आज की यूथ के साथ, तो उनको लगता है कि नहीं, शरीर का ऐसे बनना है, सिर्फ इस एलिमेंट से बना है, भौतिक पदार्थों से बना है, आग पृथ्वी जल वगैरह, और इसी कारण हमें लगता है कि पुनर्जन्म नहीं है। और जो लोग मानते हैं कि नहीं, बुद्ध शरीर आग जल पृथ्वी से नहीं बना है, इसके अंदर कुछ और भी है, तो वो लोग उसे आत्मा का नाम देते हैं। और बाबा साहब वही समझा रहे हैं कि जीवित वस्तु क्या है, वो जीवन क्या है। तो यहाँ पे बाबा साहब एग्जाम्पल कोट करते हैं महाकोटिक का, कि हाउ, भगवान बुद्ध के समय का बाबा साहब एग्जाम्पल कोट करते हैं, हाउ मेनी थिंग्स मस्ट क्वाइट द बॉडी बिफोर इट इज फ्लंग असाइड एज कास्ट अवे लाइक अ सेंसलेस क्लॉथ। ऐसे कितने चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर ही शरीर मरा हुआ समझा जाकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है। देखिए यहाँ पे बाबा साहब, ये प्रश्न बहुत डीप है। इसी प्रश्न पे मैं तो कहता हूँ, बाकी सब छोड़ दो, इसी प्रश्न पर सब ज्यादा विचार करो। यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एक व्यक्ति भगवान बुद्ध को पूछता है। यह कहानी बाबा साहब ने अपने बुद्धाने जमा में डाली, बुद्ध के शब्दों में। देखिए, बाबा साहब भी पुनर्जन्म को बुद्ध के शब्दों में समझा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसी कितने चीज है जब वो चीजें छूट जाने पर हम कह सकते हैं कि ये इंसान मर गया है। देखिए, और हम लोग इतने होशियार लोग हैं, हम डायरेक्टली कहते हैं कि नहीं, शरीर जल गया मतलब मर गया है ना। पर बाबा साहब इस टॉपिक को और क्लियर कर रहे हैं कि सही माने मरा हुआ किसे कहना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे हमने हमने ऐसे भी देखे साइंस में कई सारे लोग कि उसकी हार्ट रेट पूरी बंद हो गई, पर फिर भी 2 मिनट के बाद उसको करंट देने के बाद वो जिंदा हो गया है ना। तो कभी कभार हम देखते हैं कि उसका ब्रेन डेड हो गया पर उसकी हार्ट बीट शुरू थी। तो ऐसे कई सारे ये है प्रॉब्लम्स।
इसको इस बात को तो मैं किसी और लेक्चर में और विज्ञान निष्ठों के समझाऊंगा और एग्जाम्पल देके रेफरेंस देके, पर अभी बाबा साहब के साथ समझेंगे। तो इसलिए बाबा साहब ये प्रश्न, बाबा साहब ये बात समझते थे, इसलिए बाबा साहब ने इस बात को क्लियर करने के लिए और स्पष्ट रूप में कहा कि कितने बातें जिनसे छूटने पर हम कह सकते कि शरीर सही मायने मर गया। तो सारिपुत्त जवाब देते इसमें वाइटलिटी, हीट एंड कॉन्शियसनेस। सारिपुत्त कहते हैं कि जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान, यह तीन चीजें जब तक शरीर में है तब तक हम नहीं कह सकते कि क्या हो गया, इंसान मर गया। आप देखो कभी कभार क्या हो जाता है कि शरीर जब होता है पेशेंट तो उसका ब्रेन भी डेड हो जाता है, हार्ट बीट भी ये हो जाती है, बंद हो जाती है, पर देखते हैं कि 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद उसको फिर से उठाता करण देने के बाद, क्योंकि उसके शरीर की उष्णता रहती है ना, क्योंकि शरीर थोड़ा बहुत गर्म रहता है। तो जब तक ये तीन चीजें, तो मतलब हम यहाँ पे ये बात को समझिए कि ये जो शरीर है, ये शरीर सिर्फ इन चार महाभूतों से नहीं बना, इसके अलावा जीवित इंद्रिय, इसे हम लाइफ फैकल्टी कहते हैं, अगर साइंस की लैंग्वेज में कहें तो जो कार्बन और नाइट्रोजन मिलके जो लाइफ बनती है वो कहें, दूसरी उष्णता और तीसरी विज्ञान, दैट इज द कॉन्शियसनेस। मैं कॉन्शियसनेस पे अलग लेक्चर दे सकता हूँ उस पर, क्योंकि कॉन्शियसनेस अपने आप में एक मिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न साइंस भी काफी विचार कर रहा है, उनके भी कई सारे मिस्ट्रीज है कॉन्शियसनेस को लेके जो अभी तक सॉल्व होने के। साइंस में ऐसा कहा जाता है जिस दिन साइंस ये समझ जाएंगे कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस, उस दिन यूनिवर्स की सारी मिस्ट्रीज क्या हो जाएंगी, दूर होंगी। और मैं आपको बता दूं, बुद्ध ने पूरा का पूरा अभिधम्म इस कॉन्शियसनेस पे, तो सोचिए भगवान बुद्ध। आज हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी जब आया था तब तो उतना ये नहीं था, लेकिन आज साइकोलॉजी में भी हम कॉन्शियसनेस स्टडी नहीं करते हैं, साइकोलॉजी में स्टडी ऑफ बिहेवियर करते। तो देखिए साइकोलॉजी भी ठीक प्रकार से कॉन्शियसनेस स्टडी नहीं कर पा रहा, और बुद्ध ने तो 2500 साल पहले स्टडी की है। तो शरीर सिर्फ इन चार महाभूतों से बनानी है, जीवन इन चार महाभूत से बनानी है, तो बल्कि जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान, इनका भी अपना अस्तित्व है वहां पे, ठीक है। आगे बाबा साहब कहते हैं मृत देह में, और फिर आगे और प्रश्न पूछते हैं कि मृत देह और उस भिक्षु में, किस भिक्षु में, कोई नॉर्मल भिक्षु नहीं, जिसने संज्ञा वेदित निरोधीय ध्यान प्राप्त किया है, और जो संज्ञा वेदित निरोधीय ध्यान में है उस व्यक्ति में और मृत देह में क्या अंतर है। अब देखिए, यानी बाबा साहब ध्यान को भी मानते थे, कई सारे लोगों को लगता है कि बाबा साहब ध्यान को नहीं मानते थे, बाबा साहब ध्यान को मानते थे, यानी बाबा साहब का ध्यान पे बुरा विश्वास था। संज्ञा वेदित निरोधीय ध्यान ऐसा है जिसमें व्यक्ति लगातार 7-7 दिन एक जगह बैठे बिना कुछ खाए ध्यान करता है, ठीक है, ये वो ध्यान है संज्ञा संज्ञा वेदित निरोधीय ध्यान, इसमें लगातार इंसान 7 दिन एक जगह पे ध्यान करता है, और इस ध्यान में क्या हो जाता है, उसकी जो श्वास गति है एकदम बंद हो जाती है। अगर आपको इसको और डीपली पढ़ना है तो एक किताब है द साइंस ऑफ मेडिटेशन, ये हॉवर्ड्स का प्रोफेसर है, उसने लिखा है किताब, और ये साइंटिफिक किताब है काफी, इस पे काफी उसमें काफी रिसर्च के भी एग्जाम्पल्स वहां पे दिए हुए हैं। हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में बाकायदा साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च किए है न्यूरॉन्स वगैरह की वहां पे। तो वहां पे जब एक भिक्षु को बिठाया गया था और कहा था कि आप अभी ध्यान कीजिए अपना, और उसके ब्रेन पे कई सारे केबल्स वगैरह लगाए गए थे, तो जब ध्यान करने को बैठा तो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, उसके घुटनों पे थोड़ा मारा, तब वो भिक्षु आंखें खोल लेता है, तो वो साइकोलॉजिस्ट डर जाता है, अरे आप आंखें कैसे खुली, तो कहते तुम डर क्यों रहे हो, मैं इससे डर रहा हूँ कि हमारे मीटर्स, हमारे रेडार बता रहा है कि आप मर चुके हैं। मतलब जब उस भिक्षु को बोले ध्यान करने के लिए आया, तब उनकी रीडिंग्स बता रहे थे कि वो मर गया है। तो ये संज्ञा विदित निरोधीय ध्यान है जिसमें इंसान की श्वास पूरी तरीके से बंद हो जाती है, हार्ट बीट इतनी माइन्यूट हो जाती है कि लगता ही नहीं कि उसके हार्ट बीट शुरू है, इसलिए तो बिना खाए 7 दिन तक रह पाता है ध्यान में। तो बाबा साहब वही प्रश्न पूछते हैं यहाँ पे कि क्या फर्क है उस मृत देह में, मरे हुए व्यक्ति में, और उस भिक्षु में जो संज्ञा विदित निरोधीय ध्यान में प्रवेश किया हुआ है। तब आगे बताते हैं मृत देह में न केवल शरीर, वाणी, मन की क्रियाएं बंद हो जाती है, बल्कि जो उसकी जीवित इंद्रिय है, मतलब जो चेतना है, वो भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती है, और इंद्रियों का भी मूल उच्छेद हो जाता है। तो मतलब उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है, न
ना उसकी इंद्रिया रहती है, ना चेतना रहती है, ना उष्णता रहती है और ना ही क्रिया है, उसकी सारी बंद हो जाती है। और जो संज्ञा वेद निरोधी ध्यान में प्रवेश किया भिक्षु होता है, उसकी चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है और इंद्रिय भी उसकी रहती है। बस क्या रहता है, श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है, इंद्रियों का वितर्क विचार और संज्ञा और क्रियाएं बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये फर्क होता है। फिर बाबा साहब प्रश्न पूछते हैं, बाबा साहब यहाँ आर्ग्यू करते हैं कि महाकोटि को, यानी बाबा साहब के मन में आता है कि कम से कम महाकोटि को और एक प्रश्न पूछना चाहिए। कौन सा प्रश्न था? वो ये प्रश्न था कि ये जो हीट है, जो उष्णता है, ये क्या है? चेता तो हमें पता है, कॉन्शियस हमें पता है हल्का हल्का, पर ये हीट के बारे में क्या है? या बाबा साहब यह प्रश्न करते हैं, महाकोटि को चाहिए था कि सारी पुत्र को यह पूछना चाहिए था कि उष्णता का सिर्फ क्या तात्पर्य है। आगे में बाबा साहब कहते हैं, इट इज नॉट इजी टू इमेजिन बट देयर कैन बी नो डाउट दैट द हीट मींस एनर्जी। बाबा साहब कहते हैं कि भले ही सारी पुत्र को उस महाकोटि ने प्रश्न नहीं पूछा कि ये हीट, ये उष्णता मतलब क्या, पर ये इमेजिन करना डिफिकल्ट है, पर उतना कठिन भी नहीं है, इतनी शंका भी नहीं है कि हीट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, एनर्जी, क्या है, शक्ति। सो अब प्रश्न यहाँ आता है, अब बाबा साहब टॉपिक पे आते हैं, अब बाबा साहब मेन पॉइंट उठाते हैं कि ठीक है, शरीर के बारे में तो हम पहले ही समझ गए कि शरीर क्या होता है, आग, शरीर जो पृथ्वी आग जल वायु से बना है उसका क्या होता है मरने के बाद समझ जाते। अब प्रश्न यहाँ आता है कि ये जो हीट है, क्योंकि हम ये तो समझ गए कि मरने के बाद क्या होता है, अब मरने के बाद इस हीट का क्या होता है, ये हमें जानना है। What happens when the body dies? Is the body cease to produce energy? अब प्रश्न ये आता है कि जब शरीर मर जाता है, हम तो ये सीख गए, हम ये जान गए कि शरीर के जो तत्व है वो जाके मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हीट एनर्जी थी, ये जो एनर्जी थी जो, तो क्या ये नष्ट हो जाती है, ये बंद हो जाती है? तब बाबा साहब कहते हैं कि इसका उत्तर दो तरीके से आ रहा है और इसी के कारण क्या हो जाता है, सारी गड़बड़िया हो जाती है। इसका उत्तर दो उत्तरों में आ जाता है, टू फोल्डेड, इसका उत्तर दो अर्थों में है, है ना। एक, नई शक्ति की उत्पत्ति रुक जाती है और दूसरी, विश्व में जो शक्ति पूर्ण संचरण कर रहा है उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अभी क्या होता है कि हम एक बार समझ आते हैं कि ये जो एनर्जी जो प्रोड्यूस कर रहा था, आज तक हम उसको ऐसा समझते हैं कि बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही थी, है ना, लेकिन फिजिक्स का एक लॉ है जो कि बाबा साहब आगे समझाते हैं। यहाँ पे बाबा साहब देखिए समझाते हैं, एनर्जी इज नेवर लॉस्ट। यहाँ पे बाबा साहब थर्मोडायनामिक्स का लेते हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। याद रखिएगा कि नई शक्ति का उत्पन्न नहीं की जा सकती है, विश्व में जितनी शक्ति है वो हमेशा उतनी ही मौजूद रहती है और हीट हमेशा डेवलप होती रहती है। जरूरी नहीं कि उसके लिए ही शरीर चाहिए, बिना शरीर के भी हीट क्या होती रहती है, डेवलप होती रहती है। हम देखते हैं हमारे वातावरण भी कभी कभार वातावरण में हमारा क्या होता रहता है, गर्म होते रहता है, तो ऐसा नहीं कि शरीर ही उस एनर्जी को उत्पन्न करता है। ठीक है, जो हीट है, जो उष्णता, ये जो एनर्जी है, इसका क्या होता है, यहाँ बाबा साहब समझा रहे हैं कि जो हीट है यह मरने के बाद शरीर तो उत्पन्न करना बंद कर जाता है और ये जो हीट है उस हीट में जाके मिल जाती है। फिर तो इसका, बिकॉज ऑफ दिस टू फोल्डेड एस्पेक्ट ऑफ एनिहिलेशन, बुद्धा से दैट ही वाज नॉट एब्सोल्यूट एनिहिलेशन। और इसी चीज के कारण, क्योंकि यह जो मरने के बाद हो रहा है, यह शक्ति भी क्या हो रही है, नष्ट हो रही है क्या, नहीं, ये शक्ति नष्ट नहीं हो रही, शक्ति उस शक्ति में जाके मिल रही है। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि शरीर नष्ट होने के बाद वो शक्ति भी नष्ट हो रही है, नहीं, वो शक्ति नष्ट नहीं हो रही। तो इसका एक लॉ कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। तो जो शक्ति है, ये जो ऊर्जा है, ये क्या कह देती है, अभी एक रूप से ये शक्ति नष्ट ना होते, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती, मतलब एक छोड़ के दूसरे चीज में वो परिवर्तित हो जाती है। मतलब शरीर, ये शक्ति क्या हो रही है, नष्ट नहीं हो रही है, और यही शक्ति है जो क्या हो रही है, बार बार जन्म ले रही है। तो बाबा साहब आगे कहते हैं कि मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध कही
उच्छेदवादी नहीं है, मतलब मरने के बाद उसकी ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ठीक है। तो द बुद्धा व्यू इन द कॉन्सेंस विद साइंस, इस प्रकार व्याख्या होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुकूल है। एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, दैट इज व्हाट साइंस अफर्म, एनिहिलेशन इन द सेंस दैट आफ्टर डेथ नथिंग इज लेफ्ट विल बी कॉन्ट्रेशन। अगर हम ऐसा कहें कि मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता तो ये विज्ञान के विरुद्ध होगा, बाबा साहब ऐसा कह रहे हैं। फॉर इट वुड मीन दैट एनर्जी इज नॉट कॉन्स्टेंट इन वॉल्यूम, इसका मतलब एनर्जी प्रमाणिक नहीं है, बराबर एक स्थिर रेखा में नहीं चल रही है। बाबा साहब कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करें कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता है तो ये क्या हो जाएगा, यह विज्ञान के रूप हो जाएगा। मतलब मृत्यु के बाद कुछ तो है जो रहता है, और इसी को वैदिक ऋषि या हिंदू धर्म के लोग या बाकी जो मिथ्या दृष्टि में जिनकी प्रज्ञा तीक्ष्ण नहीं है, जो अनित्य दुखानात्मक सिद्धांत के अनुसार संसार को नहीं देखते या अनित्य दुख अनात्मा को नहीं समझते, उनके लिए वो आत्मा है। पर बुद्ध के दृष्टिकोण से वो है नाम और रूप, क्योंकि हमने शरीर के रूप, क्योंकि हमने पुनर्जन्म किस व्यक्ति का इस चैप्टर में भी देखा कि वो चार तत्व नष्ट नहीं होते हैं, वो उसमें जाके मिलते हैं, तो ठीक है वो शरीर था। और पुनर्जन्म ऑफ व्हाट किस, इसमें भी हमने देखा कि एनर्जी वो लॉस नहीं होती। तो दोनों में हम ये बात देखते हैं कि दोनों में नष्ट नहीं हो रहा, और दोनों ही नाम और रूप के बारे में बाबा साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दोनों चीजें नष्ट नहीं, दोनों चीजें रहती है, यही है नाम और रूप, ठीक है। इसको हम और उदाहरणों से बाबा साहब के हिसाब से समझते हैं। अब बाबा साहब एग्जाम्पल भी देते हैं। अब देखिए सम एग्जाम्पल फ्रॉम बुद्धानिज धम्म, बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ में से कुछ पुनर्जन्म के उदाहरण। अब बोधिसत्व मस्ट बी बोधिसत्व फॉर 10 लाइफ इन सक्सेशन, बाबा साहब यहाँ पे समझा रहे एक बोधिसत्व को, बोधिसत्व मतलब वो जो बुद्ध होने के लिए प्रयास कर रहा है पर अभी तक बुद्ध होने का है। तो बाबा साहब बुद्धानिज धम्म में बताते हैं कि किसी भी बोधिसत्व को कम से कम 10 जन्मों तक बोधिसत्व लगातार रहना पड़ता है, तभी जाके बोधिसत्व अवस्था प्राप्त करता है। देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं बाबा साहब पुनर्जन्म की। बाबा साहब क्या कह रहे हैं कि एक बोधिसत्व को 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है, ये 5वां नंबर का पॉइंट है। और किस चैप्टर में दिया है ये, ये दिया हुआ है गौतम हु वॉज एज अ बोधिसत्व, इस चैप्टर में बुद्धानिज्म में दिया हुआ है, बुक 1 पार्ट 4 फोर्थ सेक्शन पॉइंट 5th, इसमें बाबा साहब बता रहे हैं। अब आप और मैं जानते हैं कि बाबा साहब ने जो बुद्धानिज्म दिया उसमें कई सारे परिवर्तन किए, कई सारी बातें जो उनको अच्छी लगी उन्होंने उसमें ऐड नहीं किया, उन्होंने उस बातों को हटा दिया। अब अगर सोचे अगर बाबा साहब को ये बातें अच्छी नहीं लगती, बाबा साहब को ये बातें नहीं पटती, तो बाबा साहब ने बातें ऐड की रहती क्या, नहीं की रहती। हम देखते कि बाबा साहब ने जो धम्म चक्र पहुंच सकता है उसमें कई सारे फेरे बदल करते हुए बाबा साहब ने बुद्धानिज्म में ऐड किया, यहाँ तक कि और कई सारी बातें बाबा साहब ने उसमें चेंजेस करके ऐड किए, यहाँ तक कि पुनर्जन्म सिद्धांत बाबा साहब ने चेंजेस करके ऐड किया। तो बाबा साहब ने कई सारे ऐड किए, बाबा साहब ने जातक कथाओं को उतना महत्व नहीं दिया, साफ साफ कहा बुद्धानिज्म में बाबा साहब ने 60 भिक्षुओं को ना मानते हुए 5 भिक्षुओं को माना, साफ साफ। तो बाबा साहब ने ये कौन है जो कर रहा है यहाँ पे, स्क्रीन पे उपासक जी रिमूव कर दिया उसको, रिमूव, हाँ वो आदमी को रिमूव कर दिया मैंने। कौन था वो, केवी करके था, छोड़ो उसको छोड़ो, आप वापिस शेयर कीजिए फाइल। ओके, कौन था ये आदमी, अभी कोई नाम से नहीं जुड़ता है ना, इसके वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर बाबा साहब को नहीं पटता तो बाबा साहब हटा देते, बाबा साहब ने इस बात को हटाया क्या, नहीं, बाबा साहब ने इसको ऐड किया। और मैं बता दूं ये जो 10 भूमिवा सिद्धांत है ये तो मूल थेरवाद ने भी नहीं है, बाबा साहब ने ये महायान से लिया है, ये महायान परंपरा से, मैंने बाबा साहब ने जान बूझ के सिद्धांत को ऐड किया। आप देखिए पुनर्जन्म सिद्धांत को जो कि महायान से, अगर बाबा साहब नहीं माने तो काय को ऐड करते हैं। तो बाबा साहब ने साफ साफ कहा है बोधिसत्व को बोधिसत्व अवस्था प्राप्त करने के लिए 10 जन्मों तक
वो तो रहना पड़ता। उसमें आगे बताते हैं कि पहले जन्म में उसे मुदिता यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, दूसरे जन्म में उसे विमला यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, तीसरे जन्म में उसे प्रभाकारी अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, चौथे जन्म में उसे अचिज्मति यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, पांचवें जन्म में सुधराजा यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, छठवें जन्म में उसे अभिमुखी यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, सातवें जन्म में दुर्गमा यह अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है, आठवें जन्म में अचला, नौवें जन्म में साधुमती और दसवें जन्म में धम्ममेघा। ये देखो हर एक जन्म में उसे एक अवस्था प्राप्त करनी पड़ती है। इसके अलावा और किस जगह पे बाबा साहब ने पूर्वजन्म की बात की है? बुद्धा ने जमा में एक जगह पे और बात की है, ही मस्ट ऑल्सो प्रैक्टिस टू परफेक्ट द 10 पारमितास। इसके अलावा ये 10 भूमिया, ये 10 अवस्थाएं प्राप्त करने के अलावा उसको पारमिताओं का भी अभ्यास करना पड़ता है। और आपको पता है कि पारमिता एक जन्म में पूरी नहीं होती है, पारमिताओं को कम से कम कितने जन्म लग जाते हैं, असंख्य कल्प लग जाते हैं पारमिता पूरे करते करते करते। हमें जहाँ तक कथाएं मिलती है जहाँ पे भगवान बुद्ध के 550 जन्म के बारे में दिया हुआ है, और बाबा साहब आगे और बताते हैं उसमें कि 1 पारमिता आगे, और बाबा साहब बताते हैं कि 1 पारमिता इज टू बी द एंड ऑफ लाइफ, स्पेशलाइजेशन इन द पारमिता मस्ट गो स्टेज बाय स्टेज, 1 पारमिता एंड 1 लाइफ एंड नॉट लिव टिल 1 एंड लिव टिल। ऐसा नहीं कि इस जन्म में एक पारमिता पूरी करे थोड़ी, दूसरी पारमिता थोड़ी पूरी करते हैं, वो तीसरी पारमिता थोड़ी पूरी करते हैं, नहीं, एक जन्म में एक ही पारमिता पूरी करनी पड़ती है, और एक जन्म में सिर्फ एक ही पारमिता पूरी होती है। तो ऐसे परमार्थ 30 पारमिता पूरी करनी पड़ती है, सोचिए, और एक जन्म में सिर्फ एक ही पारमिता पूरी होती है। आगे और किसी और चैप्टर में बाबा साहब बताते हैं, ब्रह्मा सहपति की बात करते हैं। ब्रह्मा सहपति लेफ्ट द ब्रह्मा वर्ल्ड एंड अपियर बिफोर द बुद्धा। बाबा साहब बता रहे हैं कि देखो ब्रह्मा ब्रह्म लोक छोड़ देता है, यानी बाबा साहब ब्रह्म लोक की बातें कर रहे हैं, मतलब बुद्धिज्म में जो 31 लोक बताया है उसकी बातें बाबा साहब बात कर रहे हैं। सोचिए, मतलब यहाँ से मरने के बाद कहीं ब्रह्म लोक में जन्म होता है उसकी बाबा साहब बात बता रहे हैं। इसके अलावा और किसी और चैप्टर में बाबा साहब बताते हैं, सडनली फ्रॉम द ट्री दे हर्ड द वॉइस ऑफ द रेजिस्ट स्पिरिट। ये आप जरूर पढ़िए, कन्वर्शन ऑफ द ब्राह्मिन्स ऑफ उत्तरवर्ती, ये पढ़ने लायक है। इस कहानी में बाबा साहेब बात बताते हैं कि जो ये तो उत्तरवर्ती ब्राह्मीण लोग रहते हैं, बुद्ध की प्रशंसा सुन रहते हैं, तो बुद्ध से मिलने के लिए आते हैं, तो बुद्ध से मिलने के लिए आते रहते हैं, तो रास्ते में इनको बहुत प्यास लगती है, और बहुत लंबा रास्ता रहता है, इनको कुछ दिखता नहीं है, कहीं कुआ वगैरह कुछ रहता नहीं है, तो उन्हें दूर एक पेड़ दिखता है। वो पेड़ दिखने पर उन ब्राह्मणों को लगता है कि शायद से वहां कोई गाँव में या कुआ होगा, चलो वहां जाते हैं। पर वह जब वहां पे जाते हैं तो उन्हें सिर्फ पेड़ दिखता है और ना गाँव दिखता है ना कुआ, तो फिर वहीं पे रोने लगते हैं, पेड़ के पास बैठ बैठ के। तो उस पेड़ से आवाज आती है, तो उस पेड़ का देव रहता है, वो पेड़ का यक्ष रहता है जो उस पेड़ पे वास करता है। फिर वो पूछता है पेड़ का देव, पेड़ का यक्ष, ये बुद्धा ने जमा बाबा साहब ने दिया है। हाँ देखिए देखिए, जान मुझके दिया बाबा साहब ने, इतनी सारी कहानियां थी पृथ्वी पटक में, पर बाबा साहब ने इसी कहानी को चूज किया, कुछ तो बाबा साहब ने विचार किया होगा। फिर वो पेड़ से आवाज आती है, फिर वो सारे ब्राह्मण लोग हैरान हो जाते हैं, अरे ये आवाज आते तो कोई नहीं, फिर आवाज ये कहाँ से आई? फिर वो वृक्ष देवता कहता है कि मैं हूँ। फिर वो कहता है तुम लोग क्यों रो रहे हो? कहते हैं हमें बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है। फिर वो वृक्ष देवता क्या करता है, अपने अपने चमत्कार से, अपने रिद्धि बल से उनको क्या देता है, खा देता है और कई सारा पानी देता है। तब वो ब्राह्मण लोग पूछते हैं, अरे यार देवता तुम ये ताकतवर हो, तुम इतना खाना दे सकते हो, फल दे सकते हो, पानी दे सकते हो, फिर भी तुम ये वृक्ष तक ही क्यों सीमित हो? तब बताता है कि मैं अपने पूर्व जन्म में, ये वृक्ष देवता बनने के पहले मैं मनुष्य था, और मनुष्य होते हुए बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए गया था, रात भर भगवान का प्रवचन सुन था, तब मैं वहां पे भिक्षुओं को या बाकी लोगों को जा जा के पानी दे रहा था, है ना। तो उस पुण्य कर्म के प्रताप से मुझे इस जन्म में, उस पुण्य के प्रताप से यह जब मैं जब वास मेरी मृत्यु हुई, तो मैं यहाँ पे देववर बन के पैदा हुआ, और इस देव होने के नाते मैं सब दे सकता हूँ, खाना वगैरह। लेकिन जब मैं रात भर वहां पे रहा और सुबह सुबह फिर गया, वहां प्रवचन खत्म होने पर अपने घर गया, तो मेरी पत्नी बहुत चिल्लाई, बोले कहाँ गया था तू, मुझे बिना बता के गया? तो मैंने उसे बताया कि मैं भगवान के प्रवचन सुनने गया था। तो गुरु जी ने भगवान के बारे में ही बहुत अनाप शनाप बोली, तो मैं चुपचाप खड़ा था, मैंने उसका विरोध नहीं किया,
तो इस पाप कर्म के प्रताप से मेरी जो शक्तियां या मेरा जो दैवत्व है इस भ्रष्ट की क्या हुआ, सीमित हो गया। तो देखिए बाबा साहब यहाँ पे ये उदाहरण जान भी डाले, यहाँ पे पूर्व जन्म की फिर से बात आती है। इसके अलावा और एक जगह पे रिस्क ऑफ कन्वर्सेशन में बाबा साहब आते हैं, ही इज प्रोटेक्टेड बाय हेवंस देवास एंड लव बाय मैन है, ही सक्सेसफुली वेर वेर एवर ही लिव्स एंड व्हेन डेड गोज टू द हेवन ऑफ द ब्रह्मा। बाबा साहब बता रहे हैं कि जो मैत्री का अभ्यास करते हैं उसकी देवता लोग भी रक्षा करते हैं। यहाँ पे बाबा साहब ने हेवन शब्द का इस्तेमाल किया, सोचिए हेवन, बाबा साहब ने इंग्लिश में हेवन और भी कई सारे शब्द थे, बाबा साहब ने किस शब्द इस्तेमाल किया, हेवेंस, और ब्रैकेट में देवास भी दिया, देखिए इंग्लिश में। इसके अलावा बाबा साहब ने यह भी कहा कि जो मैत्री का अभ्यास करता है वो मरने के बाद ब्रह्म लोक में उत्पन्न होता है। सोचिए अगर बाबा साहब नहीं मानते तो कैसे, इवन हेवन ऑफ ब्रह्मा का बाबा साहब ने ब्रह्मा शब्द हिंदी का शब्द इस्तेमाल किया इंग्लिश बाबा साहब ने, और इंग्लिश का हेवन शब्द इस्तेमाल किया। सोचिए बाबा साहब नहीं मानते तो डालते क्या, नहीं। क्योंकि बुद्धम में कैसे कहानियां हैं जो बिना देवी को भी देव वगैरह के उच्चारण के वहां पे है, पर बाबा साहब ने यही कहानी चूज किया। और एक जगह पे किसी और चैप्टर बाबा साहब और बाबा साहब कहते हैं, द ब्लेस्ड लॉर्ड प्रीच दैट देयर वॉज रिबर्थ बट द ब्लेस्ड लॉर्ड ऑल्सो प्रीच दैट देयर वॉज नो ट्रांसमाइग्रेशन। मतलब बाबा भगवान बुद्ध पुनर्जन्म सिखाते हैं पर भगवान बुद्ध संसरण वाला पुनर्जन्म नहीं सिखाते। ऐसा नहीं कि इस शरीर से कुछ निकल रहा है उस शरीर में जा रहा है, ऐसा यहाँ से निकल के वहां जाने वाला पुनर्जन्म भगवान बुद्ध नहीं सिखाते। भगवान बुद्ध सिखाते संसरण नहीं सिखाते, भगवान बुद्ध पुनर्जन्म सिखाते हैं। यहाँ हमारा तो वहां उत्पन्न हो उत्पन्न वाला सिखाते हैं, यहाँ से निकल के वहां जाने वाला नहीं सिखाते। ठीक है, इसको संसरण, ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कभी अच्छे से इस विषय को अलग से लूंगा, क्योंकि भी मिथ्या दृष्टि के लिए बहुत कारण बनता है। यहाँ तक कि बुद्ध के समय में भी कई सारे भिक्षु इस संसरण के कारण मिथ्या दृष्टि में फंस गए थे, इसको ठीक प्रकार से ना समझने के कारण। तो मैं किसी और दिन समझाऊंगा। फिर इसके अलावा और अलग जगह पे अलग चैप्टर है, भगवान बुद्ध समझा बाबा साहब समझाते हैं, देर कैन बी रीबर्थ इवन थ्रू देर इज नो सोल, कि आत्मा ना होने के बावजूद पुनर्जन्म संभव है। और किसी और जगह पे बाबा साहब और समझाते हैं, व्हेन वंस द ब्लेस्ड लॉर्ड वॉज स्टेइंग इन श्रावस्ती द आर्म्स मैन कम एंड इन्फॉर्म हिम दैट दे वर कॉन्स्टेंटली हैरेस्ड बाय द देवास हु डिस्ट्रीब्यूट हु डिस्टर्ब देम इन देयर मेडिटेशन। बाबा साहब बाबा भगवान भगवान बुद्ध को कुछ ऋषि लोग आके बताते हैं कि भगवान हमें देवता लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, वृक्ष देवता जो लोग वहां पे वास करते हैं हमें बहुत परेशान कर रहे हैं जब हम ध्यान कर रहे हैं, ये करने में चित्त में भी दिया हुआ है। तो देखो बाबा साहब ने इतने सारे पूर्व जन्म के उदाहरण अपने बुद्ध ने जमा में दिए है। चलो एक उदाहरण होगा तो हम समझ सकते हैं बाबा साहब ने ऐसे गलती में डाल दिया होगा, पर जगह जगह पे कई सारे चैप्टर्स में बाबा साहब ने पुनर्जन्म के क्या दिए, उदाहरण दिए हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं बाबा साहब पुनर्जन्म को नहीं मानते, बाबा साहब पुनर्जन्म को मानते हैं और दोनों रूप में मानते हैं, शारीरिक रूप में भी और कैसे उस उष्णता के रूप में भी। तो ऐसा है यह पूरा सिद्धांत, आशा करता हूं कि आपको समझा होगा। अभी किससे कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं कुछ नहीं समझा हूँ तो आप पूछ साधु साधु साधु।